बेहद आवश्यक संदेश। परमात्मा को वही लोग खोजने को निकलते हैं जिनको परमात्मा खोजना शुरू कर देता है। ऐसे लोग विशेष होते हैं जिनसे स्वयं परमात्मा जुड़ना चाहते हैं और उन्हें सभी नकारात्मक शक्तियों से और बुराइयों से बचाकर दिव्य स्वरूप आत्मा बनाते हैं। मेरे प्रिय, आज का संदेश अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। तुमने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा, परंतु मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र तुम पर हमेशा बनी हुई है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। जीवन में तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियाँ प्रस्तुत करेगा, तुम उससे कभी भयभीत मत होना। मैं उन्हें पार करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय, तुम्हें केवल अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी है। ऐसे लोगों के प्रति दया और भाव रखो, और जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, अब उन्हें भी क्षमा कर दो। मैंने भी तो तुम्हारी बहुत सी गलतियों के लिए तुम्हें क्षमा किया है। मेरे प्रिय, यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। तुम्हें क्षण क्षण मेरे साथ होने का अनुभव होगा। तुम पर आने वाली सभी विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जीवन में भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हारे साथ कोई ना हो, तब तुम यही सोच लेना कि वह तुम्हारे लायक ही नहीं थे तुम्हारे साथ के। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो तुम्हारे योग्य होगा और तुम्हारे जीवन के लिए शेष भी। इसीलिए कुछ रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं ताकि कोई योग्य तुम्हारे जीवन में आ सके, जो तुम्हें समझ सके तुमसे भी ज्यादा। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्म से पूर्व एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसका आना अभी शेष है। मेरे प्रिय, तुम दिव्य हो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम शीघ्र ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हो। सभी को स्वयं के जैसा ही समझ लेते हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम्हें थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग, जहां तुम रहते हो, उनमें से एक व्यक्ति तुम्हारा बहुत हितकारी बनने का प्रयास कर रहा है।
तुम्हारे मन में जो रहता है तुम उसे कह देते हो। तुम अपने मन की उसे हर एक बात कहते हो। हाँ, यह बात बहुत अच्छी है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम अपने दिल की हर एक बात कह सको। परंतु मेरे प्रिय, हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं होता जैसा हम उसे समझ लेते हैं। इसीलिए जब तुम किसी से अपनी कोई व्यक्तिगत बात कहो तो इस बात का सदैव स्मरण रखना कि कुछ ऐसा कभी मत कहना जिसका फायदा कोई दूसरा मनुष्य उठाकर तुम्हें चक्रव्यूह में फंसाने का षड्यंत्र रचे और तुम्हें आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। तुम बहुत मासूम हो और अपनी मासूमियत पर आकर तुम किसी से कुछ भी कह देते हो जिसका फायदा आगे जाकर दूसरा मनुष्य उठा सकता है। इसीलिए तुम्हें थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हर किसी को हर बात मत बताया करो। तुम नहीं जानते सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए कैसा भाव रखता है अपने मन में। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन की जो भी बात कहनी है मुझसे कहो, फिर तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन कितना शांत हुआ है। मैं तुम्हारी हर एक परेशानी का हल अवश्य निकाल दूंगा। तुम्हें चुनौतियों का सामना करने का साहस दूंगा। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र के समान सदैव तुम्हारे साथ हूँ। केवल एक बात सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। कोई ठोकर मिलती है तो कुछ सिखाती अवश्य ही है, और यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम्हें स्वयं से दूर कर दे, तो कोई उससे भी अच्छा आने वाला है। तुम्हें बस अपना नजरिया बदलना है। मेरे बच्चे, मेरी कही इस बात को सदैव स्मरण रखना और सावधान रखना, अपना ख्याल रखना। टाइप यस इफ यू बिलीव। Divine blessings. Thank you so much.